धनबाद के श्रमिक नगर भुल्ली में इस बार दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण पूजा सही से नहीं मनाया जा रहा था। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर श्रमिक नगरी भुल्ली में बहुत ही आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं भुल्ली बी ब्लॉक में भी आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। इस वर्ष भुल्ली बी ब्लॉक में माँ दुर्गा थाईलैंड के प्रसिद्ध मंदिर में विराजेगी। इस वर्ष थाईलैंड का प्रसिद्ध मंदिर के थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है और लाइटिंग भी आकर्षक केंद्र बनेगा। पंडाल बना रहे विवेक गुप्ता ने कहा कि इस पंडाल को बनाने में कुल लागत 7 लाख है। यह पंडाल 70 फीट चौड़ा और करीब 65 फुट ऊंचा होगा। बता दें कि यह पंडाल सफेद एवं गोल्डन रंग का बना होगा। पंडाल एवं लाइटिंग माँ तारा डेकोरेटर धनबाद द्वारा किया जा रहा है। पंडाल कोलकाता के कारीगर हसमत के नेतृत्व में किया जा रहा है। भुल्ली बी ब्लॉक में पिछले 20 वर्षों से विजयादशमी के दिन रावण दहन का आयोजन किया जाता है। रावण दहन और उसमें घंटों बाद तक होने वाली आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वर्ष 1950 से यहां पूजा की शुरुआत हुई है। यहां का मुख्य आकर्षण विजयादशमी के दिन रावण दहन एवं मीना बाजार है। ये किस तरह से तैयारी है दुर्गा पूजा का? मतलब तैयारी पूरा जोरों शोरों से है, ठीक है। इस बार थाईलैंड का भी प्रसिद्ध मंदिर बन रहा, बहुत धर्म का। इस बार भीड़ काफ़ी होगी, यानी क्योंकि 2 साल से तो लॉकडाउन था। इस बार तो भीड़ को नियंत्रण भी करना है, कमेटी का ये जिम्मेवारी है। धूमधाम से पूजा करना है। हाँ, और मेले का भी आयोजन हो रहा है, नया आयोजन हो रहा है यहाँ पे, और रावण दहन का भी आयोजन होता है। काफ़ी भीड़ होता है, तो सुरक्षा किस तरह से आप लोग करें? वो सब है उतना, मैंने कमेटी जिम्मेवारी है उसका। कमेटी के मतलब रोज पर सक्रिय रहते हैं हमारे कार्यकर्ता, सक्रिय नहीं हो, भीड़ नहीं लगे, इसके वजह से है। हमारे कमेटी का मेंबर बहुत एक्टिव है और प्रशासन का भी सपोर्ट है हम लोग का, कि कहीं कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। क्या नाम है आपका? बिद्दू आर्या। किस तरह का पंडाल बना रहे हैं आप? आइलैंड का बता ही दिए हैं, कमेटी के आदमी बोध गया का, मिस्त्री सब हम लोग का कलकत्ता से आया हुआ, हावड़ा से, और हम लोग का जो इसमें थर्माकोल का जो काम होगा जयपुर से आया हुआ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू सुबह रात दिन कंटिन्यू लगे हुए हैं, एकदम सुबह शाम सब हावड़ा का मिस्त्री लोग है। और इतना जान लीजिए भुल्ली में मेरा पंडाल सबसे टॉप रहेगा, माँ तारा डेकोरेटर मेरा नाम हुआ मेरे डेकोरेटर का, और ये भुल्ली में सबसे टॉप पंडाल गिनती में आ गई है। कितना लागत है पंडाल का? इसका लागत है 7 लाख रुपये लागत है पंडाल का, और यहाँ के कमेटी के मेंबर लोग भी बहुत अच्छे हैं। कितना दिनों में तैयार होगा? मेरा तो लगभग तब देख रहे बीट टनाना स्टार्ट हो गया। हम तो सप्तमी हम लोग पूजा से 3 दिन पहले हम कंप्लीट दे देंगे।